गाइस सब्सक्राइब कीजिए फिटनेस वर्कर्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस गुड इवनिंग, दिस साइड इज अवी एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तीन टॉप एक्सरसाइजेस की जो कि क्वाड्स बिल्ड करने में हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा लेग्स की मसल्स एनाटॉमी के बारे में, ताकि आप अच्छे से मसल एनाटॉमी को समझ के लेग को ट्रेन कर पाए। लेग की मसल्स एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ एंड ग्लूटियल मसल्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिसेप्स के बारे में। थाई के फ्रंट हिस्से को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, जिसमें थ्री मेन मसल्स है। फर्स्ट मसल है वेस्टस लेटरालिस, जिसे आउटर क्वाड मसल भी कहते हैं। सेकेंड मसल है रेक्टस फेमोरिस, जिसे मिडल क्वाड मसल भी कहते हैं। एंड थर्ड मसल है वेस्टस मीडियालिस, जिसे इनर क्वाड मसल कहते हैं। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, ये हमारे थाई का फ्रंट का हिस्सा है। येलो पार्ट जो ड्रॉ है, ये वेस्टस लेटरालिस यानी आउटर क्वाड मसल है। ब्लू पार्ट जो ड्रॉ है, ये रेक्टस फेमोरिस यानी मिडल क्वाड मसल है। एंड ग्रीन पार्ट जो ड्रॉ है, ये वेस्टस मीडियालिस यानी इनर क्वाड मसल है। हैमस्ट्रिंग, जिसे रियर थाई भी कहा जाता है, ये हमारी थाई का बैक का हिस्सा है। इसके अंदर थ्री मसल्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट बाइसेप्स फेमोरिस, जिसे मेन हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। सेकेंड मसल है सेमी मेम्ब्रानोसस, जिसे लोअर इनर हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। एंड थर्ड मसल है समी टेंडिनोसस, जिसे अपर इनर हैमस्ट्रिंग मसल भी कहते हैं। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, ये हमारी थाई का बैक का हिस्सा है। येलो पार्ट जो ड्रॉ है, ये बाइसेप्स फेमोरिस यानी मेन हैमस्ट्रिंग मसल है। ब्लू पार्ट जो ड्रॉ है, वो सेमी मेम्ब्रानोसस यानी लोअर इनर हैमस्ट्रिंग मसल है। एंड ग्रीन पार्ट जो ड्रॉ है, ये सेमी टेंडिनोसस यानी अपर इनर हैमस्ट्रिंग मसल है। काफ में टू मसल्स होते हैं, सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नीमियस। सोलियस मसल लोकेटेड है लोअर लेग के बैक पार्ट के ऊपर, एंड ये मसल इन्वॉल्व होती है जब हम खड़े होते हैं या फिर चलते हैं। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल सोलियस के ऊपर लोकेटेड है, एंड ये मसल इन्वॉल्व होती है जब हम रनिंग या जंपिंग करते हैं। जैसा कि पिक में देख सकते हैं, ब्लू पार्ट जो ड्रॉ है वो सोलियस मसल है, एंड ग्रीन पार्ट जो ड्रॉ है वो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है। ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल मसल्स को ग्लूट्स और बट मसल्स भी कहते हैं। इसमें थ्री मसल्स इंक्लूड है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड थर्ड है ग्लूटियस मिनिमस। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। फर्स्ट एक्सरसाइज है बाबल स्क्वाट। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करती है क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियल्स मसल्स को, एंड सेकेंडरी एक्सरसाइज टारगेट करती है हैमस्ट्रिंग्स, एडेक्टर्स, स्पाइनल इरेक्टर्स एंड एब्डोमिनल्स मसल्स को। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स करोगे, एंड हर सेट में रैप रेंज होगी 10 रिपीटेशंस, एंड हर सेट कंप्लीट होने का रेस्ट टाइम होगा 45 टू 60 सेकंड्स का। आपको तीनों एक्सरसाइज में वेट उतना ही लिफ्ट करना है कि आपसे 10 रैप्स ही निकले। हर सेट में वेट कम से कम 5 टू 10 केजी वेट इंक्रीज करें। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और भी वेट इंक्रीज कर सकते हो, पर ईगो लिफ्टिंग ना करें। कोशिश करें फर्स्ट 2 सेट्स में हेल्प ना ले, लास्ट के 2 सेट्स में हेल्प ले सकते हैं, पर उसमें 5 से 6 रेप्स खुद निकाले, उसके बाद ही नाम के लिए हेल्प ले। सेकेंड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करती है क्वाड्रिसेप्स को, एंड सेकेंडरी एक्सरसाइज टारगेट करती है ग्लूटियल्स, हैमस्ट्रिंग एंड एडेक्टर्स मसल्स को। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स करोगे, एंड हर सेट में रैप रेंज होगी 10 रिपीटेशंस, एंड हर सेट कंप्लीट होने के बाद रेस्ट टाइम होगा 45 टू 60 सेकंड्स का। थर्ड एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट करती है क्वाड्रिसेप्स को। इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट्स करोगे, एंड हर सेट में रैप रेंज होगी 10 रिपीटेशंस, एंड हर सेट कंप्लीट होने के बाद रेस्ट टाइम होगा 45 टू 60 सेकंड्स का। सो गाइस, ये थी टॉप 3 एक्सरसाइजेस जो कि आपके क्वाड्स का साइज इंक्रीज करेगी। गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के जरिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही गाइस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी और भी यूज़फुल वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही आपको मेरे सोशल मीडियाज के लिंक, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।